नमस्ते दोस्तों, मैं अदिति और आप देख रहे हैं मॉम स्पेशल केयर। ऐसे टॉपिक के हिसाब से ये मेरा तीसरा वीडियो है, पर नंबर के हिसाब से ये मेरा पांचवा वीडियो है। ये मेरा यूट्यूब चैनल नया है और इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर बेबी के जन्म तक वुड बी मॉम को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और इसके बाद मैं एक सेशन चालू करूँगी जिसमें हम लोग न्यू बॉर्न बेबी को कैसे केयर कर सके, और बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है कोविड के थर्ड वेव के बारे में, जो बोला जा रहा है कि बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो उसी के ऊपर वो वीडियो है जो जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि क्या क्या सिम्टम्स होना चाहिए और प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने सिम्टम्स और प्रिकॉशन के बारे में तो बोला था, पर इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें इस बारे में बात नहीं किया था। तो आज हम लोग बात कर लेंगे कैसे बहुत इजीली घर में ही हम लोग अपना इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके, वो भी बिना कोई मेडिसिन अप्लाई किए। और ऐसे इम्यूनिटी बूस्ट करना कोई बहुत टफ जॉब नहीं है, बस थोड़ा गुड हैबिट चाहिए, कुछ विटामिंस और कुछ मिनरल्स, बस हो जाएगा इम्यूनिटी बूस्ट। ऐसे एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, मैं प्योर बंगाली हूँ तो मुझे इतना फ्रूट और वेजिटेबल्स का प्रॉपर हिंदी नहीं पता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को वो फ्रूट और वेजिटेबल्स का नाम मैं इंग्लिश में ही बता दूँ। और जो भी कुछ मुझे लगेगा कि हाँ इन सब का लिंक मुझे देना चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके वो सब गुड्स जो होगा वो आप देख सकते हो। स्पेसिफिक किसी रीजन के वजह से या फिर एक टाइम बींग के हिसाब से हम लोग को इम्यूनिटी बूस्ट करना है, अगर ऐसा सोच लिए तब ये बहुत टफ जब हो जाता है। पर अगर हम लोग सोचें कि साल भर या लॉन्ग टर्म के लिए ये हम लोगों को थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, तो बहुत ईजीली हम लोग इसको बूस्ट कर सकते हैं। वैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी डाइट चार्ट, यही बेसिक फंडा होता है इम्यूनिटी को इजीली और बहुत जल्दी बूस्ट करने का। तो चलिए अब इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। बिना पैसा खर्चा किए बहुत इजीली इम्यूनिटी को बूस्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है अपना नींद कंप्लीट करना। डेली एक पर्सन को एवरेज 7 से 9 घंटा नींद की ज़रूरत पड़ता है, पर जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उन लोगों का नींद का जो टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ जाता है। पर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स्ड हो, और आपका बिस्तर जो है वो आपके बॉडी के हिसाब से कंफर्ट हो। ऐसे एक और आसान सा तरीका होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का कि आप आपका पानी का जो अमाउंट है पूरे दिन में वो सही से इंटेक करें। ऐसे एक रूल होता है 8x8 ounce रूल, इसका एक्सप्रेशन है 1 ounce का मतलब है 30 ml, इसको 64 से आप मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा अप्रॉक्स 2 liter के आसपास। पर ये रूल होता है फॉरेन कंट्री में अप्लाई, तो हम लोग की इंडिया में थोड़ा पानी का जो अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे बोला जाता है मेल को फीमेल से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है, जैसे मेल को 3.7 liter या फिर 13 कप्स पानी ज़रूरत पड़ता है, और फीमेल को 2.7 लीटर या फिर 9 कप पानी की ज़रूरत पड़ता है। पर अगर घर में बच्चे और बुज़ुर्ग लोग हैं तो थोड़ा ध्यान उन लोगों पर दे कि उन लोगों को ना ये प्यास लगने का जो फीलिंग्स होता है ये थोड़ा कम होता है, तो आप उसके तरफ भी ध्यान रखें। अब सारा दिन पानी पीते पीते तो बोर हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप वाटर इनटेक को बढ़ाने के लिए लस्सी, छाछ, मिल्क, शरबत, कोकोनट वाटर ये सब इंटेक कर सकते हैं। इसमें से आपको बोरिंगनेस जो आता है ये भी कट जाएगा, और पानी का जो फ्लूइड इंटेक का जो मैटर है ये भी इंक्रीज हो जाएगा इजीली। और ऐसे पानी पीना आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, ये दिन भर आपको हाइड्रेट रखता है, आपका बॉडी सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो भी सही रहता है, और आप बहुत रिलैक्स फील करोगे, तो सही अमाउंट का पानी जरूर पिए। एक और आसान तरीका होता है अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना कि आप डेली रेगुलर बेसिस में एक एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें, कुछ भी करें जो आपके बॉडी के हिसाब से कंफर्ट हो, बस वो होना चाहिए। और ये मिनिमम डेली के हिसाब में आप 30 मिनट्स कर सकते हैं। जैसे आपको एक कैलकुलेशन याद रखना है कि आपको पूरे एक वीक में ना 150 मिनट का
एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। तो आप एक्सरसाइज करो या योगा करो, प्राणायाम करो, वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, जो भी आप करोगे वो टोटल इन अ वीक आपको 150 मिनट मिनिमम करना है। ज्यादा करोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि संडे से लेकर आप थर्सडे तक पूरा एक्सरसाइज कर लिए और उसके बाद आपको 2 दिन ऐसा रेस्ट मिल ही गया, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या आपको बेस्ट रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे फूड इनटेक के बारे में। ऐसे माना जाता है कि विटामिन और मिनरल्स हम लोग सप्लीमेंट से ज्यादा फूड इनटेक करने से हम लोगों का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाता है। तो बेसिक जो फॉर्मूला है वो यही है कि ईट रेनबो का मतलब है जो कलरफुल वेजिटेबल्स और कलरफुल फ्रूट्स जो होता है या लीफी वेजिटेबल्स है ये डेली के डाइट में इंक्लूड करना, जो आपका फाइबर इनटेक बहुत बढ़ा देता है। और लो कार्ब्स का मतलब है आप थोड़ा रोटी चावल इसका जो अमाउंट है ये थोड़ा कम करें, और प्रोटीन रिच डाइट होना बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन रिच डाइट होने का मतलब है जैसे जो बॉडी का वेट है उस हिसाब से पर केजी में आपको 0.8 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत पड़ता है। अब जो भी लोग हैं वो अपने बॉडी के हिसाब से जो वेट होता है उसको इनटू 0.8 को मल्टीप्लाई कर दे, जितना प्रोटीन होना चाहिए वो आपका एक डेली बेसिस का इनटेक होना चाहिए। इससे आप बीमार भी कम पड़ोगे और आपका इम्यूनिटी इजीली बूस्ट हो जाएगा। अब आते हैं हर्ब और स्पाइसेस के ऊपर। हम लोग के जो कंट्री है इसमें बहुत सारा वैरायटी है, सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर कुछ जो डेली बेसिस में हम लोगों को जरूरत है इंक्लूड करना, जैसे टर्मरिक हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, ब्लैक क्यूमिन सीड जो है वो हो गया, और ब्लैक पेपर है, और स्टार एनिस है। स्टार एनिस एक शायद अगर किसी को पता नहीं होगा तो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते। जैसे टर्मरिक होता है, अब इसको लूकम वाटर हो या फिर मिल्क हो उसमें आप चुटकी भर टर्मरिक दो, एक केसर दो और एक इलायची पाउडर दो थोड़ा सा। ये बहुत फ्लेवर्ड मिल्क होता है, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी होता है। आप इसको इजीली बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। और गार्लिक और जिंजर, गार्लिक में एक होता है कि उसको आप किसी भी सूप में देते हो ना तो उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत मतलब उसका जो गुण होता है वो बहुत बढ़ जाता है। और जिंजर जो सौंफ बोलते हैं शायद हिंदी में, जिसको ड्राई जिंजर बोला जाता है, ये कॉमन कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ब्लैक क्यूमिन आपका जो रेजिस्टेंस है इम्यूनिटी सिस्टम का उसको बढ़ा देता है। और स्टर एनिस और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर आप किसी भी बॉइल्ड के साथ खा सकते हैं, इसको आपका जो टेस्ट है वो एनरिच कर देता है। और स्टार एनिस जो है ये बिरयानी या फ्राइड राइस इसमें भी आप दे सकते हो, पर ये भी कॉमन कोल्ड में बहुत असरदार होता है। ये सब तो गया मसाला, अब बात कर लेते हैं कुछ डेली बेसिस फूड के बारे में। जो हम लोग जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई, ये 5 विटामिन बहुत जरूरी होता है डेली बेसिस के लिए। पर अब जान लेते हैं कि फ्रूट में कहां कहां से हम लोगों को ये सब मिल जाएगा। जैसे विटामिन ए आपको मिलेगा स्वीट पोटैटो है, कैरेट है, स्पिनच, इन सबसे आपको विटामिन ए मिल जाएगा जो आंखों के लिए बहुत अच्छी बात होता है। विटामिन बी आपको वाटरमेलन, मशरूम, चिक पीस, चिकन से मिल जाएगा। विटामिन सी के लिए आमला और रेड बेल पेपर जो है, जो लाल कैप्सिकम होता है, ये बहुत हाई सोर्स है। इसके अलावा आप कोई भी साइट्रस फ्रूट जो होता है जैसे ग्रेप्स हो गया, पपाया हो गया, स्ट्रॉबेरी है, लेमन है, ऑरेंज है, आपको विटामिन सी मिल जाएगा। ऐसे एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, विटामिन सी हम लोग के बॉडी में ना एब्जॉर्ब नहीं होता है, मतलब ये आप जो आज ले रहे हैं वो आज ही खत्म हो जाएगा, तो आपको हर रोज विटामिन सी लेना है। अब आते हैं हम लोग विटामिन ई के बारे में। हाँ मुझे पता है आप बोलोगे कि मैंने विटामिन डी क्यों नहीं बोला, उसके बारे में मैं थोड़ी बात करती हूँ। अब विटामिन ई जो है ये आपको किसी भी तरह का जो नट्स है जैसे काजू हो गया, पीनट हो गया, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, इससे आपको मिल जाएगा इजीली। और कोई भी सीड्स जैसे फ्लेक्स सीड, चिया सीड, वाटरमेलन है, सनफ्लावर है, पम्पकिन है, इन सब से आपको इजीली मिल जाएगा।
पर हाँ एक बात है, आप तिल जो होता है ना, सफेद तिल, उससे भी आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हो। ये खाने में भी टेस्टी होता है और इम्यूनिटी बूस्ट करने में ये बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जो तुलसी का पौधा होता है, जो पत्ता होता है तुलसी को, वो आप रॉ हनी के साथ भी ले सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, ये बिल्कुल सेफ है। अब आते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी एक सनशाइन विटामिन है। इसको हम लोग अगर ब्लड टेस्ट के थ्रू ही हम लोग को पता चलता है कि ये अगर डिफिशियंसी है या नहीं। अगर डिफिशियंसी है तो आप अपने डॉक्टर के एडवाइस से सप्लीमेंट ले सकते हैं डेली, पर उसके साथ आपको दूध लेना मस्ट है। अगर आपका विटामिन डी का डिफिशियंसी नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप घर में सब और लोग और बच्चे मिनिमम 10 मिनट से मैक्सिमम 30 मिनट तक आप हल्की जो मीठी धूप होता है ना, उसमें रह सकते हैं। पर कंडीशन एक ही है कि आपको डेली दूध लेना पड़ेगा, क्योंकि दूध में जो कैल्शियम है वो इस विटामिन डी जो हम लोग का हड्डी में स्टोर होता है, उसको हेल्प करता है स्टोर होने में। अब आते हैं हम लोग मिनरल्स के ऊपर। मिनरल्स में सबसे ज्यादा एसेंशियल है जिंक, जो आपको काजू से, पम्पकिन सीड्स, किसी भी तरह का दाल हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, एग हो, पोल्ट्री हो, योगर्ट, पनीर और क्रैब से और चिक पीस से इजीली मिल जाएगा। इसके बाद आता है कैल्शियम, जो आपको दूध से मिल सकता है। पोटेशियम जो है वो आपको कोकोनट वाटर से मिल जाएगा। आयरन जो है वो आपको अनार जो होता है ना, अनार हो या रेड मीट हो, लीवर हो, इससे मिल सकता है। और आयोडाइज नमक जो है उससे आपको आयोडीन मिल जाएगा। सबसे एसेंशियल है सेलेनियम, जो आपको कॉटेज चीज, चिकन, चिक पीस और किसी भी तरह का ड्राई जो नट्स होता है उससे मिलता है। ये हम लोगों का इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और एक है एसेंशियल जो है प्रोबायोटिक्स, जैसे घर का जो दही होता है, होममेड जो दही है, उसको आप लोगे ना तो इसमें कुछ बैक्टीरिया है जो हम लोग के बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको गुड बैक्टीरिया बोला जाता है। तो ये हम लोगों का जो बॉडी इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है, हम लोग का खाना हजम करने में ये हम लोग का बहुत हेल्प करता है। तो हर रोज दही लेना एक स्मॉल क्वांटिटी में भी आपको बहुत एनर्जी भी दे सकता है, आपका इम्यूनिटी इजीली बूस्ट कर सकता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड हम लोग को ड्राइड नट्स और फिश से मिल जाता है। जैसे बंगाली हूं तो फिश तो हर एक दिन का मेनू है, तो इसका डिफिशियंसी नहीं होता है। और एक बात होता है, अब तक तो जान ली हम लोग क्या करना है, अब क्या नहीं करना है। जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, इसको थोड़ा कम करे अच्छा है। MSG वाला जो फूड होता है उसको थोड़ा कम इंटेक करे, हो सके तो बंद ही कर दे। और इसको छोड़ के आप सोडा या फिर शुगर एडिड जो फूड होता है या डीप फ्राई जो फूड होता है, ये सबको अवॉइड कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें होममेड फूड खाने का। हाँ, इस टाइम में ना जो घर के औरत लोग हैं उन लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एक तो घर में शायद काम वाली भी नहीं है, घर का सारा काम करना, ऊपर से इतने सारे फूड का जो एलिमेंट मैंने बोल दिया या वेजिटेबल्स का जो मैंने एलिमेंट बोला उसको भी ध्यान में रख के काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। पर आप कोशिश करो, आपके फैमिली के लिए अच्छा होगा, बस यही सब है। अगर इन सब के बाद भी आपको अगर लगता है कि सप्लीमेंट लेना है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर एडवाइस ले और उनके एडवाइस के हिसाब से ही आप अपना सप्लीमेंट ले। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और मेंटल जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा कंट्रोल करें। घर को एयरी रखें, घर के बाहर जाए या बाहर से घर आए तो कोविड का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करें। और ओरल हाइजीन थोड़ा मेंटेन करें और रेगुलर हाथ धोए, सही से हाथ धोना बहुत जरूरी है इस टाइम के लिए। और कुछ नहीं, बस इतना ही। अब पता नहीं, मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, अब किसी को हेल्प हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई भी कमेंट बॉक्स में तो कुछ लिखता नहीं है। खैर जो भी हो, अब पागलों की तरह मैं ही बिरबिर कर किए जा रही हूँ, वैसे कुछ भी हो जाए। पर अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, मुझे भी पता चले, मुझे भी थोड़ा एंथू मिल जाए काम करने में। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही से रहिए। टेक केयर, बाय।